आइए और जानकारी लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जेपीएसएस और ये हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये इस जाटव प्रगति संघ के सर, आज जो इतना बड़ा प्रोग्राम है और जो बाबा साहब की जयंती है बहुत धूमधाम से मनाई जाए पूरे भारतवर्ष के अंदर, बाबा साहब ने ऐसा क्या काम किया जो इतनी धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है? ये बाबा साहब ने सभी वर्ग के लिए काम किया, ये कहना कि केवल उन्होंने दलितों के लिए काम किया ये उनके साथ अन्याय होगा। उन्होंने महिलाओं के लिए, गरीब तबके के लिए, सभी वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। हम उनको आज बांध के देखते हैं कि भी उन्होंने एक विशेष वर्ग के लिए काम किया, ऐसा नहीं है, ये कहना गलत होगा। तो मेरे अपना विचार है वो ये है कि उन्होंने महिलाओं के लिए कितना काम किया, उस लोग मतलब हमारे जो देश के नेता हैं वो उस चीज़ को आगे बता ही नहीं पाते कि उन्होंने किन वर्ग के लिए काम किया, केवल उनको एक सीमित दायरे में रख के जो है हम देखते हैं, जो कि गलत है। उनको एक परिवेश में बांध के रखा गया, वो गलत है। सभी वर्ग के लिए उन्होंने काम किया, महिलाओं के लिए, निचले तबके के लिए, मुस्लिम के लिए, मतलब आप कहना चाहिए कि कोई भी समाज नहीं छूटा उनसे। तो ये कहना गलत है कि केवल उन्होंने एक विशेष वर्ग के लिए काम करा या विशेष वर्ग के नेता थे, ऐसा नहीं है। वो सभी वर्गों को ध्यान में रख के जो है उन्होंने संविधान बनाया, देश का संविधान बनाया। आज उस संविधान पे चल के हम सब लोग बाग या इस पार्लियामेंट स्ट्रीट पे इकट्ठे हुए और बाबा साहब का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जैसा जन सैलाब जो है उपतरा हुआ है, तो ये उन्हीं की देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हम लोग बाग यहाँ खड़े हुए।